Insect training requires lot of care. Here you can see Aedes vitella, spotted bollworm insect found mainly in cotton and okra. You can also name it okra caterpillar. So when you find these kind of okras of these shapes, it is very certain that there is worm inside. So this caterpillar or spotted worm, which is found inside the okra vegetables or lady finger, here you can see these kind of larva take about 10 days and then they become pupa, and these pupa next 10 days develop into a full grown moth of Aedes vitella. ये 10 दिन के बाद जो हैं ये पीपा जो कि भिंडी में से कैटरपिलर लार्वा से बने थे, ककून जिसको हम बोल देते हैं, वो 10 दिन के बाद जो है ये एक फुल पतंगा बन जाता है। ये आप देख रहे हैं, ये पतंगा जो है ये सफ़ेद रंग का है और उसके ऊपर हरी सी दोनों तरफ पंखों पे आपको धारियां मिलेंगी। इसको इसमें पालने की कोशिश करी गई है, रेयर करने की कोशिश की गई है ये डब्बे में। इसके लिए इस डब्बे के अंदर आप देख रहे हैं ये तार जो है, ये तार के सहारे से इसके अंदर स्पंज को बांधा गया है और पीस ऑफ स्मॉल स्पंज विच हैज़ बीन टाइड टू दिस वायर हैज़ बीन अप्लाइड विद फ्यू ड्रॉप्स ऑफ हनी। कुछ हनी के ड्रॉप्स को डाल के उसको वेट करने के बाद उसको सोक्ड जो स्पंज है उसको इसमें डाल दिया गया है ताकि ये मौत जो है वो इसमें आप देख रहे हैं डब्बे में 3 मौत हैं जो कि आराम से अपना वो इसके ऊपर सरवाइव कर सकते हैं इस शहद के ऊपर। तो हम इसको देखेंगे कि किस तरीके से ये आगे कब तक सरवाइव कर पाते हैं इसमें। तो ये देखिए, ये है ये एडल्ट मौत, वो पतंगा Aedes vitella स्पॉटेड बॉलवर्म एडल्ट मौत जिसको कि है वी आर ट्राइंग टू रियर इन दिस स्मॉल बॉक्स। और ये स्पंज है, दिस इज कॉमन स्पंज विच इज सोक्ड इन हनी, डाइल्यूटेड हनी, और यू कैन ऑल्सो सी वाटर विद फ्यू ड्रॉप्स ऑफ हनी। तो इस पर सर्वाइव करने की कोशिश की गई है। और ये जो आप देख रहे हैं साइड में, ये डब के साइड में जो ये भिंडी है, इस टाइप के भिंडी में आपको मिलते हैं। और ये आप देख रहे थे ये पूपा थे, और उस पूपा से आप देखिए ये दो एडल्ट कितने सुंदर लग रहे हैं। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से ये दोनों एडल्ट जो हैं, बट ये काफ़ी नॉटी हैं, दे ऑलवेज ट्राई टू बी ऑन द अपर साइड, वो दे लुक फॉर सम एग्जिट डोर्स। तो ये इसमें से हमेशा बार बार भागने की कोशिश कर रहे होते हैं, इसको वापस से हम बंद कर देते हैं। तो ये देखिए ये किस तरीके से ये भिंडी के अंदर के जो ये Aedes vitella लार्वा, इसको स्पॉटेड बॉलवर्म लार्वा भी बोल देते हैं जब ये कॉटन में होती हैं, हम कैसे उसको रेयर कर रहे हैं। और ये पीपा था जो पीपा 10 दिन के बाद ये एडल्ट बना। सो जनरली इट्स लाइफ साइकिल इज ऑफ अराउंड 20 to 22 डेज। जो एग्स जो हैं वो 2-3 एग्स जो है हर एक फीमेल ले करती है, उसके बाद वो एग्स से 10 दिन के बाद पीपा बनता है, और उसके बाद 10 दिन के बाद ये एडल्ट बन जाते हैं Aedes।